नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ फूलों वाले पौधों के बारे में जिनको अभी आपको नर्सरी से खरीद के बिल्कुल भी नहीं लाना है, क्योंकि दोस्तों जितने भी ये फ्लावर प्लांट हैं, ये ऐसे फ्लावर प्लांट हैं जो बिल्कुल ठंड में फ्लावर देते हैं। जैसे ही मौसम में थोड़ा चेंज हो जाता है तो इनमें फ्लावरिंग आना बंद हो जाता है, या फिर इन पौधों की केयर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है गुलदावरी का। गुलदावरी का पौधा सर्दियों में बहुत अच्छे से फूल देता है। लगभग जो इसके फूल होते हैं 1.5 से 2 महीने तक बने रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो इसकी फ्लावरिंग का टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। जो इसके फूल हैं लास्ट फरवरी तक बने रहेंगे, उसके बाद ये पौधा फूल देना बंद कर देता है। कभी कभार इस पौधे में दोबारा भी फ्लावरिंग हो जाती है, नहीं तो इस पौधे में जो फ्लावरिंग होगी वो नेक्स्ट सीजन में होगी, नवंबर दिसंबर में। तो इसलिए दोस्तों आप नर्सरी से इसका नया पौधा अब खरीद के ना लाएं। दूसरा पौधा है दोस्तों डहेलिया का। दोस्तों डहेलिया का भी आप नया पौधा इस टाइम पर नर्सरी से ना लाएं। इन जगहों में ज़्यादा गर्मी होती है तो ये पौधा सिर्फ मार्च तक ही फ्लावरिंग करता है। उसके बाद आप कितनी भी केयर कर लें, ये पौधा अपने आप ही ख़त्म होने लगता है। तो इसलिए आप इस पौधे को भी अब नर्सरी से लाना बिल्कुल बंद कर दें। तीसरा पौधा जिसे दोस्तों हमें नर्सरी से बिल्कुल भी नहीं लेना है वो है कैलेंडुला का। कैलेंडुला का जो पौधा होता है दोस्तों, वैसे तो ये पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है बहुत कम केयर में, लेकिन जैसे ही फरवरी में थोड़ा सा मौसम चेंज होने लगता है तो इस पौधे में जो पेस्ट का अटैक है बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ग्रीन और ब्लैक कलर के कीड़े लगने लगते हैं, जो धीरे धीरे पूरे पौधे को ख़त्म कर देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जैसे ही मौसम में थोड़ा सा गर्माहट आती है तो ये पौधा फूल देना भी बंद कर देता है। तो इस टाइम पर आप कैलेंडुला का नया ना लाएं। नेक्स्ट फ्लावर प्लांट है गजानिया। गजानिया का पौधा भी आपको अभी नर्सरी से नहीं लाना है। जिन इलाकों में दोस्तों गर्मी अच्छी पड़ती है, उन जगहों पर यह पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन जो जगह ठंडी है, जहां पर ठंडे इलाके हैं, वहां पर यह पौधा पूरे साल भी फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट फ्लावर प्लांट है दोस्तों बिगोनिया का। बिगोनिया का जो फ्लावर प्लांट है दोस्तों, जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होने लगती है तो इस पौधे की केयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे ये परमानेंट प्लांट है, जिन जगहों पर ठंड रहती है वहां पर यह पूरे साल चलता है और पूरे साल फ्लावरिंग करता है, लेकिन जिन जगहों पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर यह पौधा चल नहीं पाता। साथ ही इस पौधे को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों हाइब्रिड पिटूनिया का। हाइब्रिड पिटूनिया का जो पौधा होता है दोस्तों, जो गर्म इलाके होते हैं, जहाँ पे फरवरी लास्ट से ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे ये पौधा अच्छे से नहीं चल पाता। फिर भी ये पौधा आपको मार्च तक फूल देगा, लेकिन उसके बाद ये पौधा धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों हाइब्रिड कलांचू। हाइब्रिड कलांचू का पौधा दोस्तों देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके जो फूल होते हैं वो भी लगभग 2-2 महीने तक पौधे पर बने रहते हैं, लेकिन जिन जगहों पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर ये पौधा बिल्कुल भी नहीं चल पाता। केयर करते करते दोस्तों मार्च अप्रैल तक ये पौधा बने रहता है, उसके बाद ये पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इस पौधे को भी दोस्तों आपको खरीद के अभी नहीं लाना है। नेक्स्ट फ्लावर प्लांट है डायंथस। डायंथस का पौधा दोस्तों, वैसे तो ये भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है, लेकिन जिन जगहों पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर ये पौधा चल नहीं पाता। लास्ट अप्रैल तक ये आपको फूल देगा, लेकिन जैसे ही अप्रैल लास्ट में जो ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है उस टाइम पर ये पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ज़्यादा केयर नहीं कर पाते तो इस टाइम पर आप इस पौधे को भी नर्सरी से लाना बिल्कुल बंद कर दें। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों साल्विया का। तो देखिए दोस्तों, अगर आप गर्म इलाकों पर रहते हैं तो अभी आप साल्विया का पौधा भी बिल्कुल खरीद के ना लाएं, क्योंकि जैसे ही थोड़ा तेज गर्मी पड़ने लगती है तो ये पौधा बच नहीं पाता है और बिल्कुल ये पौधा फूल देना बंद कर देता है और धीरे धीरे मरने लगता है। तो साल्विया का पौधा भी आपको इस टाइम पर खरीद के नहीं लाना है। नेक्स्ट फ्लावर प्लांट है दोस्तों जिरेनियम का। जिरेनियम का जो फ्लावर प्लांट होता है दोस्तों, बिल्कुल परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है, लेकिन गर्म इलाकों में इस पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप ठंडे इलाकों पर रहते हैं तो पूरे साल भर ये पौधा आपको फ्लावरिंग देगा, लेकिन गर्म इलाकों में ये पौधा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इस पौधे को बचाना। अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं तो नर्सरी से इसका नया पौधा लाने से बचें। तो देखिए दोस्तों,
जितने भी मैंने आपको ये फ्लावरिंग प्लांट बताए हैं, जिन जगहों पर गर्मी फरवरी लास्ट से ही स्टार्ट होने लग जाती है, वहाँ पर ये फ्लावरिंग प्लांट बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी आते ही ये पौधे अपने आप ही मरने लगते हैं। लेकिन जो इलाके ठंडे हैं, जहाँ पर हल्की सी ठंड रहती है साल भर, उन इलाकों में ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी गर्म इलाकों में रहते हैं तो इन पौधों को अभी आप नर्सरी से बिल्कुल भी खरीद के ना लाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।